जोधपुर के शेरगढ़ बुंगरा में जो गैस त्रासदी हुई है उसमें जो घायल और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा जोधपुर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का मुद्दा यह है कि मृतक को 50 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपए और मृतक परिवार आश्रित को सरकारी नौकरी, और अभी तक राज्य सरकार द्वारा या कलेक्टर द्वारा जो गैस एजेंसी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार को और कलेक्टर साहब को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर मुआवजा नहीं मिला तो यहाँ सड़कों पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना पूरा राजस्थान जाम करेगी और उसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना जोधपुर जिलाध्यक्ष वीपी सिंह बिसलपुर। समाज और राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के सभी लोग घुंगरा प्रकरण में जिनकी भी डेथ हुई उनके परिवार को उनको श्रद्धांजलि और परिवार को भगवान शक्ति दे। हम लोग इस मुद्दे को लेके आए हैं कि घुंगरा प्रकरण में जो गैस एजेंसी के प्रति अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अगले 7-8 दिनों में मृतकों और उनके आश्रितों और जो घायल हुए हैं उनको अगर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो राष्ट्रीय कर्णी सेना और संपूर्ण 36 कौम इसके प्रति व्यापक धरना प्रदर्शन करेगी और जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण सरकार की होगी। उमराव सिंह जोधा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना।